हेलो दोस्तों, मार्केट पे कितने बड़े डाउन ट्रेंड आ चुका है और ये आज से नहीं, करीब एक महीना पहले से दिखा रहा था कि मार्केट ऐसे रहने वाला है। तो उसके लिए आपको याद होगा, मैं कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन बुल पुट स्ट्रेटेजी, BPS जिसे मैं शॉर्ट में कहता हूँ, और वो एक इम्प्रोवाइजेशन है। जो मेरा ऑप्शन व्हील ट्रेड्स है उसका एक इम्प्रोवाइजेशन है। तो उस चीज को हम कैसे ऑप्शन व्हील ट्रेड के साथ करते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं कैसा अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेता हूँ, क्या करता हूँ। तो आप उसे नोट करें और ध्यान रखें। और एक बहुत अच्छा चीज है, जब आप इसको बुल पुट स्ट्रेटेजी करते हो, इसका फायदा क्या होता है देन डूइंग द क्लासिकल कैश सिक्योर पुट, वो भी मैं आपको बताऊंगा, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, तो उसको भी हम देखेंगे। तो ये सब देखकर आज का ये जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं आप सबको बताता हूं, कृपया आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और इसके साथ, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपना जो सोशल मीडिया है, ट्विटर और जो अपना टेलीग्राम है, इसमें मैं अपना ट्रेड्स देता हूँ, जो लोग उसे देखना चाहते हैं। ये सब है एजुकेशनल पर्पस के लिए। मैं कोई भी जो ट्रेड मैं लेता हूँ, ये इज नॉट ए रिकमेंडेशन, दीज आर माई ट्रेड्स, आई डू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, इट इज नॉट फॉर अदर्स। तो इसका जो रिस्क एपेटाइट है ये मेरा अपना है। कृपया इसे कॉपी ट्रेड करने से पहले आप अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे पूछे, और अगर आपको वो हामी भरे तभी आप आगे बढ़े, ब्लाइंडली मेरे ट्रेड्स को देखकर ट्रेड ना करें। तो दोस्तों अब चलते हैं, मैं करता हूं क्या। देखिए, बुल पुट ट्रेड के लिए मैं कौन सा ट्रेड लूं, मैं आपके एक मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि कभी कभी मैं जो 44 सिंपल मूविंग एवरेज, जो 45 का जो पीरियड है उसका जो सिंपल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर डिपेंड करता हूँ, या 50 डेज के ऊपर भी, सेम थिंग थोड़ा आजू बाजू में रहते हैं। लेकिन मैं आजकल जो स्टॉकेज है उसको मैं सब्सक्राइब किया हूँ, मैं इसका पेड मेंबर हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो 50 SMA को जो नीचे से क्रॉसओवर करता है, तो उसके बाद नॉर्मली नॉर्मली नॉट 100% प्लीज रिमेम्बर, तो उसमें एक अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो वैसे उसी समय अगर हम ट्रेड लेते हैं तो उसमें बुलिश व्यू लेकर हम अपना ट्रेड कर सकते हैं और उसमें फायदा होने का चांस है। और एट द सेम टाइम अगर वो गलत निकला तो बुल पुट स्प्रेड हमें कैसा बचाव करता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूं मेरा जो स्टॉकेज है, स्टॉकेज का पेज पर। ये रहा मेरा स्टॉकेज का पेज, इसमें माई स्टॉकेज जो है, इसमें आकर मैं अपना कुछ स्कैनर बनाया हूं जो कि रेडीमेड उनके पास अवेलेबल है। तो माई स्कैन करने के बाद मैं आ जाता हूं, ये सर कई सारे हैं लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा जो क्लोज क्रॉसिंग 50 सिंपल मूविंग एवरेज फ्रॉम बिलो, नीचे से जो 50 मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया तो उसको हम देखेंगे। अब इसमें क्लिक करने के बाद आप देखिए, मैं पहले से फिल्टर दे चुका हूं, जो NSE का जो F&O में जो स्टॉक्स है सिर्फ वही मुझे दिखाई देंगे। तो इसमें सिर्फ आज सिर्फ एक ही शेयर, आप जानते हैं आज मार्केट काफी नीचे गया था, आज सिर्फ एक ही शेयर जो है जो 50 SMA को क्रॉस किया है नीचे से, तो उसको हम चेक करेंगे क्या इसमें हमें ट्रेड लेना है नहीं है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी देखिए, ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसको फिर मैं दोबारा चेक करता हूं। आई हैव ऑल्सो सब्सक्राइब टू ट्रेडिंग व्यू, तो मैं ट्रेडिंग व्यू में जाकर फिर दोबारा चेक करूंगा चार्ट में कैसा दिख रहा है। तो ट्रेडिंग व्यू में मैं अभी आपको मैं ले चलता हूं, ये रहा ट्रेडिंग व्यू। देखिए मेरा जो ट्रेडिंग व्यू है उसमें आप चार लाइन देखते हैं, जो ग्रीन लाइन है पतला सा दैट इज फॉर 20 डेज SMA, जो ब्लू वाला मोटा है वो है 50 डेज SMA, और जो ऑरेंज कलर का है दैट इज 100 SMA,
और जो रेड है वो है 200, तो मैं चार लिया हूं, लेकिन मेरा मतलब है ये जो ब्लू लाइन है उसको नीचे से क्रॉस किया कि नहीं, बस इतना मुझे देखना है। अभी देखिए अदानी एंटरप्राइज दिखा रहा है, मैं इसमें इसको चेंज करूंगा, इसमें जाऊंगा चेक करूंगा BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं इसको चेंज कर लेता हूं। हाँ अब देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ जो ब्लू लाइन है आज एक्चुअली उसके ऊपर गया था लेकिन नीचे बंद हुआ है, लेकिन फिर भी कल भी 50 SMA को क्रॉस किया था, आज दोबारा किया है। तो ये एक ट्रेड है जहां मैं ये डिसाइड करता हूं कि कल जब मार्केट खुलेगा तो मैं इसमें ट्रेड लूंगा। अभी जो है आज ये आज का जो क्लोज रहा क्लोजिंग प्राइस है वो है 207.85। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं चेक करता हूं कि जो 207.85 है तो मैं बुल पुट स्ट्रेटेजी के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस में पुट सेल करूंगा और कौन सा स्ट्राइक प्राइस में मैं पुट को बाय करूंगा। तो ये दो चीज देखूंगा, सो दैट अगर दरिजे मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आ गया और इसके साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत बड़ा फॉल आ गया तो मेरा कितना फायदा हुआ, मैक्सिमम लॉस कितना होगा। इसके लिए मैं सेंसिबल भी यूज करता हूं और ऑफस्ट्रा का जो फ्री वर्जन है उसको भी मैं यूज करता हूं। ऑफस्ट्रा का वर्जन के लिए चलिए अब देखते हैं ऑफस्ट्रा जाकर। अब हम ऑफस्ट्रा में जाते हैं, ऑफस्ट्रा में जाकर गेट स्टार्टेड में जाकर फिर अपना ये जो निफ्टी लिखा है यहां हम लोग चेंज करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL जिसका सिंबल है। इसके बाद जो फ्यूचर है फ्यूचर को हम कर लेंगे ऑप्शंस, ऑप्शन करेंगे ये 30 दिसंबर, ठीक है मैं इस महीने के लिए करूंगा। और इसके लिए मैं जो स्ट्राइक प्राइस दूंगा, देखिए यहां जो स्पॉट प्राइस है 207.65 है, तो मैं उसका मैं ज्यादा बड़ा ज्यादा जोखिम वाला चीज नहीं करूंगा, मैं इसी के आसपास पुट को सेल और बाय करूंगा। तो पुट को सेल करने के लिए मैं 210 का जो पुट है उसको मैं सेल करूंगा, ये सी ए कॉल है इसको मैं चेंज कर देता हूं पुट में, और यहां बाय है तो इसको मैं सेल में कन्वर्ट कर देता हूं। आप देखिए ऑप्शन प्राइस है 8.7, कल जब मार्केट खुलेगा इसी के आसपास होगा, कोई बात नहीं क्योंकि अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, कल जो ट्रेड लेंगे उस समय फाइनल देखेंगे 8.7 बाय 8.2 8.5 8.9 या 9 जो भी होगा तो हम इसमें ट्रेड लेंगे। तो एड पोजिशन, अब 210 का पोजिशन लेने का बाद अब हम क्या करेंगे, जो 200 का जो पुट है उसको सिलेक्ट करते हैं और ये 200 का जो है उसको हम बाय करेंगे पुट, ठीक है। तो 210 का हम सेल के 200 का हम लोग बाय करेंगे पुट। अब हम नीचे देखते हैं चार्ट क्या बोल रहा है, पे ऑफ चार्ट क्या दिखा रहा है। अब देखिए हमने 210 का पुट सेल किया था, उसके 8 रुपीज 7 मिला, जो बाय किया था 4 रुपया 5 में रहा। तो अभी देखिए जो मैक्सिमम प्रॉफिट है 17,000 रुपया 17,670, जो मैक्सिमम लॉस है 20,000 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 54% है और इसके लिए एस्टिमेटेड मार्जिन इज ओनली 61,703। देख लीजिए 61,703 में अगर 17,670 मिलता है तो ये 28.64% रिटर्न पर मंथ होगा, तो बहुत बड़ा रिटर्न है, ये बात ध्यान रखिए। मैं कभी भी इतना लंबा इसको खींचूंगा नहीं, अगर मुझे 6,000 से लेकर 10,000 तक मिल जाता है अगले 5-6 दिन में 7 दिन में तो पोजीशन को मैं क्लोज कर दूंगा। अब देखिए इसमें जो मैं लिया, थोड़ा ध्यान रखिए, अगर 200 है पुट, 200 का नीचे जाएगा तो देखिए मेरा लॉस होना शुरू हो जाएगा। ये देख चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूं इसका, देख तो अगर मैं 180 तक आ जाता हूं तो मेरे को लॉस हो जाएगा 14,000 रुपया, उससे नीचे जाऊंगा तो फिर लॉस बढ़ते जाएगा 19,000, उसके बाद भी अगर नीचे 146 149 तक BEL का प्राइस नीचे गया, इतना जाएगा नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूं जस्ट चार्ट, तो हो जाएगा तो मेरा जो लॉस है
मैक्सिमम 20,330 होगा, बस दिस इज द थिंग। अब मेरे पास कुछ चॉइस है। मान लीजिए कल मैं ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने का बाद देख रहा हूं कल भी मार्केट डाउन जा रहा है, तो मार्केट जब डाउन जाएगा तो मैं अपने आप को सेव करने के लिए एक हेज ले लूंगा, मैं एक कॉल 10% से ऊपर कम से कम होना चाहिए उसके ऊपर में मैं एक कॉल सेल करूंगा। तो चलिए देखते हैं कॉल सेल करने से क्या होता है। अब 210 का लिए थे तो हम पहले अभी देखते हैं 230 कितना है, 230 का 207 स्पॉट प्राइस, तो करीब 12% ऊपर 230 का जो ये पुट है इसको मैं हम कॉल कर देते हैं। कॉल में देखिए 1.65 रुपीज मिल जाएंगे, इसको हमको सेल करना है, बाय नहीं सेल करना है, तो अभी हम उसको एड पोजीशन करते हैं। जो हमारा 20,000 का लॉस होता है, अब देखेंगे कितना लॉस होता है जब डाउन ट्रेंड में मार्केट या शेयर चले जाए, तो नीचे चल के देखते हैं। अब देखिए नीचे आने से अभी जो मेरा जो 20,000 था अभी 13,000 हो गया, ये धीरे धीरे घटते जाएगा जैसे जैसे हम जाएंगे 199, 194, 180, जब 188 तक आ जाता देखिए लॉस है मेरा 8,205, फिर अगर 170 तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नीचे आ जाता है तो मेरा लॉस देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए 13,454 का लॉस होगा। अगर मार्केट एंड होते होते जब दिसंबर महीना खत्म होगा उस समय अगर प्राइस शेयर प्राइस इसका 170 होगा तो मेरा मैक्सिमम लॉस होगा 13,500 का लॉस होगा। लेकिन अगर जो शेयर प्राइस है वो अपना 210 से लेकर 230 तक रहेगा, इसके बीच में रहेगा, तो माय मैक्सिमम प्रॉफिट अभी होगा 23,000, उसके बाद लॉस होना शुरू हो जाएगा अनलिमिटेड लॉस। तो मैं ध्यान में रखूंगा अगर किसी कारणवश मैं देखूंगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शेयर प्राइस है थोड़ा जल्दी जल्दी ऊपर उठने लगा, हो सके मेरा जो कॉल मैं सेल किया हूं उसको मैं क्लोज कर दूंगा, थोड़ा बहुत 2-4 हजार रुपया लॉस होगा लेकिन उसको मैं क्लोज कर दूंगा, मैं इसको ऊपर नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर सडनली स्पाइक आकर ऊपर चला गया शेयर तो उसमें लॉस हो सकता है। और एक दूसरा उपाय मेरे पास है जो कि बहुत ही बढ़िया उपाय है, वो है जो इसका लॉट है, इसका जो लॉट है उस लॉट का मैं 25% मैं खरीद लूंगा अभी आज के दिन में, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद है, उसको मैं खरीद लूंगा। कितना लगेगा मुझे, 207 है तो 106.7 में उस समय मैं खरीद लूंगा। एक लॉट जो 3,800 रहता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, उसका 1,000 शेयर अगर मैं खरीद लेता हूं तो उसमें क्या करूंगा, मैं 230 का कॉल सेल किया हूं, अगर ऊपर जाएगा शेयर तो मैं स्टैगर्ड बाइंग, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था स्टैगर्ड बाइंग के ऊपर कि मैं 207 के ऊपर 215 हो जाएगा तो फिर और कुछ शेयर खरीद लूंगा, 220 होगा तो और कुछ और खरीद लूंगा, फिर GTT ऑर्डर लगा दूंगा 0-10 में, जब 230 के आसपास हो जाएगा तो जो रेस्ट ऑफ द शेयर जो जरूरी है 3,800 से वो एट ए टाइम खरीद लिया जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि मार्केट अगर 230 से ऊपर जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तब तक मेरे पास जो एक लॉट है 3,800 शेयर वो आ चुका है, तो मेरे को वो फायदा मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज और भी कर सकता हूं, मान लीजिए मेरे को लग रहा है कि हाँ 230 होने का चांस ज्यादा है, क्यों नहीं उसके ऊपर में क्या है और उसमें कितने स्ट्राइक प्राइस तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्ट्राइक प्राइस लिक्विड है, तो उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ऑप्शन चेन, यहां ऑप्शन चेन मैं खोल दिया हूं, ऑप्शन चेन में जाकर लेट मी चेक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, उसको मैं चेक कर लेता हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि 230 का ऊपर कौन सा लिक्विड है उसको देखने के लिए, ठीक है।
आप 230 में भी कॉल सेल कर सकते हो, लेकिन उसका ऊपर भी अगर आप थोड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते हो, अपवर्ड मूवमेंट सडनली होगा जो कि होने का चांस कम है, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू क्रॉस चेक, हर चीज क्रॉस चेक कर लीजिए अगर कोई चीज आप कर रहे हो तो। एक एक मिनट लगता है, ज्यादा चेक करने का टाइम नहीं मिलता है, और ये सब पोजिशनल ट्रेड है, आपको हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है, आराम से बैठकर कीजिए, भले मार्केट में कुछ भी हो रहा है। तो हम अब यहां BEL लिख चुके हैं, अब 30 दिसंबर के लिए नीचे आकर देखते हैं कितने का कॉल अभी है, लिक्विड है। देखिए 230 का तो मैं दिखा दिया आपको, 165 है, इसके बाद देखिए जो लिक्विड है 115, देखिए 240 का भी 80-85 80 पैसा में है, तो हम 240 का भी कॉल सेल कर सकते हैं, और जब 240 का करेंगे आई डोंट थिंक उस समय मुझे कोई शेयर खरीदने का जरूरत होगा। 240 इज क्वाइट फार अवे, 1,000 जो मैं शेयर खरीदने का बात सोचा था, 230 का कॉल सेल करने के टाइम में, 240 में उसका जरूरत नहीं है, वेट करूंगा। अगर ऊपर जाएगा देन अगेन देयर इज ऑलवेज टाइम फॉर गोइंग फॉर ग्रेजुअली एक्यूमुलेटिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड शेयर। अब आपको समझ में आ गया होगा तो कब खरीदना है शेयर, कब नहीं खरीदना है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया। अब चलते हैं अगेन बैक टू ऑस्ट्रा। तो ये रहा ऑस्ट्रा में, फिर हम पहुंच गए हैं ऑस्ट्रा में, जैसे दिखाया था 210 का पुट सेल किए, 200 का बाई किए, और 230 का कॉल हम सेल कर दिए हैं। तो इसमें हमारा एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 230 और 207 में फर्क ओनली 10% है, तब इसीलिए मैं कुछ शेयर खरीद लूंगा। अगर 240 करूंगा तो जैसे कि मैंने बताया शेयर खरीदने का जरूरत नहीं है। तो ठीक है, इसमें मेरा मैक्सिमम लॉस 13,000 हो रहा है 270 नीचे जाने से। अब हम ये डिसाइड करेंगे भाई मैं बुल पुट स्प्रेड क्यों ले रहा हूं, जो मैं शुरुआती जो क्लासिक ऑप्शन व्हील ट्रेड का जो है, क्लासिक ऑप्शन व्हील ट्रेड, उसका उसका तो रिक्वायरमेंट है कि भाई मैं क्या सिक्योर्ड पुट सेल करूं। तो क्या सिक्योर्ड पुट सेल नहीं करके मैं बुल पुट स्प्रेड आजकल क्यों कर रहा हूं, इसका मैं रिप्लाई आपको दे रहा हूं, और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आप समझ लोगे क्यों मैं बुल पुट स्प्रेड कर रहा हूं, क्या सिक्योर्ड पुट नहीं कर रहा हूं। अब देखिए, मैंने आपको जैसा दिखाया कि अगर 170 तक मार्केट होता है आ जाता है, तो मेरा जो लॉस है 13,500 के करीब लॉस होता है मार्केट, अगर महीना का एंड तक 170 आ गया, आएगा नहीं, लेकिन आपको दिखाना है, कंपैरिजन करना है, क्या सिक्योर्ड पुट में क्या होगा, यहां क्या हो रहा है। तो देखिए इसमें जो बुल पुट स्प्रेड है, इसमें मेरे को लॉस आ रहा है 13,300, 13,500, और अगर मैं ये जो लेग है जो कॉल सेल किया था, उसको मैं डिलीट कर देता हूं, उसको मैं डिलीट कर देता हूं, इन दैट केस जब 170 मार्केट प्राइस हो, तब मेरा लॉस कितना आता है 19,718, मतलब मान लीजिए 200। अगर मेरा कॉल, क्योंकि जब मैं कैश सिक्योर्ड पुट करता हूं तब उस समय मैं कॉल सेल नहीं करता हूं, तो सही कंपैरिजन के लिए मैं कॉल को हटा दिया, जो कॉल सेल करने का जो एक दिखाया था उसको निकल दिया। तो अभी मेरे को देख रहा है कि 170 तक अगर मार्केट प्राइस पहुंच जाएगा, तो मेरा जो लॉस है फ्रॉम दिस बुल पुट स्प्रेड इट विल बी 20,000, जो कि मैक्सिमम लॉस के आसपास है, दैट इज द मैक्सिमम लॉस, 170 उसके नीचे जब जाएगा तो 20,000 का लॉस हो रहा है। अब देखते हैं हम क्या सिक्योर्ड पुट करके अब चेक करेंगे उसमें कितना लॉस होता है जब मार्केट प्राइस 170 पहुंच जाता है, ठीक है, दैट विल बी ए फेयर कंपेरिजन। तो उसको देखने के लिए अभी हम क्या करते हैं, हम लोग इसको निकाल देते हैं, ये सब जितना अपना रीसेट कर लेते हैं। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुंच गए, अभी हमें करना क्या है, कैश सिक्योर्ड पुट। कैश सिक्योर्ड पुट कैसे करते हैं, स्पॉट प्राइस है 207, उसका हम लोग 10% लेंगे, 10% कितना रहा 207 का, करीब 20 रुपया 70 पैसा, तो हम लोग 207 से 20 रुपया नीचे घटा देंगे, तो दैट इज कमिंग टू 187, 187 ऐसा ज्यादा लिक्विड नहीं है, क्योंकि हमको 187 में हमको कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं मिलेगा, तो जो लिक्विड है
तो हम 190 का 180 भी ले सकते हैं, लेकिन हमको ज्यादा पैसा मिलेगा नहीं, इसलिए 190 का जो पुट है हम उसको सेल करेंगे। क्या सिक्योर्ड पुट का जो गाइडलाइन है, जो कि जो प्रिंसिपल है, तो उस हिसाब में देख लेते हैं 190 का पुट कितना है। 190 190 190, उसका पुट है, देखिए पुट का जो है ओनली 1 रुपया 60 पैसा ओनली। फिर भी हम लोग जो प्रिंसिपल का हिसाब में कर रहे हैं तो हम उसको एड पोजीशन किए। अब देख लेते हैं हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है मेरे को 6,000 रुपया, लेकिन 170 का पास अगर स्ट्राइक प्राइस आ जाता है तो देखिए द लॉस इज -77,520। जब बुल पुट स्प्रेड कर रहा था मैक्सिमम लॉस इज 20,500, लेकिन यहां 170 के आसपास 77,000 हो गया, और उसका नीचे नीचे जैसा जैसा जाएगा वो बढ़ते जाएगा। देखिए 1,80,000 हो गए, अगर 138 होता तो 1,88,000 लॉस है, 160 हो गया तो 1,09,000 रुपया लॉस है। तो ये चीज है इन्हें डाउन ट्रेंड मार्केट, जैसा कि आज का मार्केट है, आज का जो सिनारियो है उस हिसाब से उसको देखते हुए मैं टोटली कैश सिक्योर्ड पुट का जो ट्रेड लेता था उसको मैं बंद कर चुका हूं। मैं अभी सिर्फ कर रहा हूं बुल पुट स्प्रेड। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्यों सीएसपी नहीं लेकर बुल पुट स्प्रेड करता हूं। इस बारे में कुछ सवाल भी आए थे, अगर वो लोग भी इसको देख रहे हैं अब उनको पता चल गया होगा बुल पुट स्प्रेड का फायदा नुकसान क्या है। तो ये मैं आपको दिखा दिया, तो आज का वीडियो से ये पता चला कि बुल पुट स्प्रेड गिव्स यू लॉट ऑफ सेफ्टी। और उसके बाद बढ़िया चीज क्या है कि मैं इसे कंक्लूड कर रहा हूं, एक बढ़िया चीज क्या है कि एक कॉल सेल करके जो लॉस है और लॉस को भी हम घटा सकते हैं, हो सके तो फिर और लॉस को और नीचे ला सकते हैं। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो और भी लॉस को हम लोग घटाएंगे, और कभी कभी ऐसा भी मौका आ जाता है कॉल को ऐसा स्ट्रेटेजिकली अगर आप उसको सेल करो कॉल को जब बुल पुट स्प्रेड लिए हो, तब कभी कभी आपका लॉस 0 भी हो जाता है और कभी कभी 500 1,000 2,000 रुपया का फायदा भी हो सकता है, तो वो भी हो जाता है। लेकिन आप ऐसा ऑक्स्ट्रा में आप चेक कर लीजिए तो कहाँ आपको कॉल सेल करना है। लेकिन ध्यान रखे इमिडिएटली डोंट सेल ए कॉल वेरी नियर टू द स्पॉट प्राइस, ध्यान रखे ठीक है। तो वो ध्यान रखते हुए आप कॉल को, आपके पास 20 दिन टाइम है 25 दिन टाइम है तो आराम से डिसीजन लीजिए। हड़बड़ा कर 1-2 दिन में मार्केट नीचे ऊपर होता है उसमें आप कुछ मत कीजिए, थोड़ा आराम से बैठिए कि एवरीथिंग इज लिमिटेड एवरीथिंग इज हेज्ड। तो ये रहा एक अच्छा चीज बुल पुट स्प्रेड के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो है वो आपको, मैं जो स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाया हूं मैं कैसे खुद करता हूं, आपको कुछ आइडिया दिया होगा। फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल है आप मेरा जो सोशल मीडिया है, मेरा जो टेलीग्राम है, मेरा जो ट्विटर है, उस पर सवाल कर सकते हैं, या जो यूट्यूब वीडियो में जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप मुझे सवाल दे कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का इस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।